द टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, डार्क टाइम्स न्यूज सच का साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी, यूपी का जनपद महाराजगंज। उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के सीमावर्ती क्षेत्र तहसील निचलौल में आज दिनांक 16/9/2019 को अपर पुलिस महानिदेशक दावा शेरपा महोदय की अध्यक्षता में सीमा पर हो रहे अपराध को नियंत्रित करने हेतु एवं आम जनमानस की सहायता हेतु तहसील सभागार निचलौल में इंडिया नेपाल के अधिकारियों का संयुक्त बैठक किया गया, जिसमें अवैध तस्करी जैसे कई आपराधिक गतिविधियों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने हेतु विस्तृत चर्चा किया गया, जिसमें दोनों देशों के काफ़ी संख्या में अधिकारीगण मौजूद रहे। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। सर, निचलौल तहसील में आज आपका आगमन हुआ है, आज का क्या उद्देश्य था सर निचलौल में? आज यहाँ पर एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें नेपाल और भारत की तरफ से जो सीमावर्ती जनपद और स्थानीय चौकी सभी स्तर के अधिकारी और यहाँ पर जो बॉर्डर संबंधी समस्याएं हैं, समस्याएं दोनों तरफ है, उसके बारे में से चर्चा विचार विमर्श किया गया है। कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में असमंजस की स्थिति भी थी कि कुछ अपने अपने साथ चल रहे थे, उसके बारे में विस्तार से चर्चा किया गया और बॉर्डर को लेकर होने वाली सुरक्षा के खतरों को लेकर जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में विस्तार से बातचीत की गई है और इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए लगातार इस प्रकार की इंटरेक्शन सभी स्तर पर थाने थाने चौकी चौकी जिले जिले के स्तर पर भी करने के लिए गया है। मुझे उम्मीद है कि इससे जो दोनों देश के बीच में जो आपसी संबंध है या जो नागरिक सहूलियतें हैं उसको सहज करने में शायद सुविधा मिलेगी, इसलिए इसी का प्रयास है। आपका किस चीज़ को लेकर था पैसा? ये हमारा एक हिसाब से रेगुलर बॉर्डर काउंट पार्ट मीटिंग है और आज की मीटिंग में हम लोगों ने दोनों देश की तरफ जो बॉर्डर टाइप में होने वाले क्राइम है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसमें क्या कर सकते हैं, मिल के करना चाहिए का। और ये मीटिंग हम बार बार रेगुलर करते रहेंगे। जो आप सहयोग करना चाहते हैं, जैसे बॉर्डर में थोड़ा बहुत एक देश में क्राइम किया और दूसरे देश में चला गया, इस हिसाब से जो क्रिमिनल लोग है आस पास की तरफ रहते हैं तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे पकड़ा जाए और जो बॉर्डर में जो क्राइम होता है एक सिमिलर टाइप के क्राइम होते हैं जैसे भारत में नेपाल में, इसलिए उसको कैसे रोका जाए, डॉक टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।